नमस्कार, K9 मीडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मुलाकात में है संदीप उर्फ भगत सिंह, जो चित्राणा गांव से हैं, जिन्होंने जिला परिषद के चुनाव के लिए तैयारी की हुई है। संदीप जी, आपका K9 मीडिया में स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सभी जो अपने दर्शक भाई हैं और जो अपने और किसान मजदूर भाई, सबका स्वागत। लगातार संदीप जी भी वार्ड में घूम रहे हैं, लगातार पहले भी सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहे हैं। कहीं पर भी किसान आंदोलन की बात हो, चाहे हम कोई भी सामाजिक कार्य ले रहे हैं, लगातार एक्टिव रहते हैं। संदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, वार्ड में आपको ऐसी क्या क्या समस्याएं दिखी जिस कारण आपको चुनाव मैदान माना पड़ा? देखिए भाई साहब, मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ, ये समस्या आपसे नहीं, बहुत पीछे टाइम से चल रही है। और जो सही आदमी आज तक आवाज उठाने वाला है, ऐसा कोई उम्मीदवार आज तक नहीं आया जो इन आवाज जो समस्याओं की आवाज है ऊपर उठा सके। 2002 में जब मैंने बार मेकरी, उसी टाइम एक मन बना लिया था, किसान मजदूर जहां भी कहीं दुखी है वहीं पहुंचना है, चाहे हरियाणा में क्या, देश में कहीं भी हो। इसके लिए 2002 से बड़ा संघर्ष शुरू किया था और आज तक लगातार 9 बार जेलों का सफर हो चुका है और बहुत सारे केस अभी पेंडित पड़े हैं जो किसानों और मजदूरों के लिए लड़े गए हैं। न मेरे ऊपर क्राइम का केस है, न और केस है, सिर्फ किसान मजदूरों के लिए जितने केस बने हैं और जितनी बार जेल गया हूं, सब ये किसान मजदूर समस्याओं के लिए बने हुए। पहले भी अपने वार्ड से पार्षद रहे होंगे, उन्होंने कोई काम करवाए हैं और क्या क्या समस्याएं रही, क्या क्या उन्होंने काम करवाया, उसके बाद क्या क्या समस्याएं रही? देखिए भाई साहब, अब जैसे ये चुनाव का त्योहार आता है, बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे जनता की सेवा करने के लिए, वादा करेंगे, बहुत सारे वादे करेंगे, लेकिन जब चुनाव हो जाता है, जीत जाते हैं, फिर उन कैंडिडेटों का यह नहीं पता चलता कि वहां कहां जाते हैं, क्या करते हैं, उनका कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। बहुत सारे कैंडिडेट तो ऐसे हो जाते हैं, उनको बाद में देखने का चेहरा देखने के तरस जाते हैं लोग। अब जैसे हमने पिछली बार अपने भाई अशोक जी थे, बहुत सारे गांव में घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, वहां पता चला कि भाई वोट तो ले गया, बाद में चेहरा दिखाने भी नहीं आया, समस्या तो दूर की बात है। अब जैसे हम वार्ड में घूम रहे हैं, यहाँ कल ऑल हड़ा दौरा कर था, या एक तो जो खेल का स्टेडियम है वहां पानी भरा रहता है, अगर समय रहते उसकी आवाज उठती तो उसका पानी निकल जाता है। एक ट्यूबवेल लगवाना है, ट्यूबवेल लगवा के ड्रेन नंबर 8 में डालना है। एक या पीने की पानी बहुत बड़ी समस्या है, जो जिसके कारण बहुत सारे बीमार होते हैं, जगह जगह गलियां हो रहा है। ऐसे ही साथ साथ में हमारा मदीना गांव है, खिलाड़िया गांव रहा है और इसमें खेल ग्राउंड में ना को मैट है, ना को और सुविधा खास दिख रही। दूसरी बात, बहुत सारा मदीना का गांव का एरिया, ऐसा गांव एरिया है जहां पर पानी भरा रहा है, फसल डूब जाती है, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जैसे हम भंडेरी में चलते हैं, भंडेरी में एक समस्या और है, एक रिज बाया कथुरा से, उसमें या तो पानी आता नहीं, पानी आने के बाद क्या हुआ, वो आता है बरसात में, फिर जितनी वो फसल तैयार होती है खर्चा लग के उसको डुबा देता है। भंडेरी की भी बहुत बड़ी समस्या आता है, रियाज सेम की समस्या बन चुकी है, आज तक उसकी आवाज किसी ने उठाई। उसके बाद आप कथुरा गांव में जाओ, कथुरा गांव में बहुत सारा डूबा हुआ है, नावा पीने की पानी की को खास सुविधा है, बहुत सारी जो ड्रेनेज का सिस्टम है सब अटा पड़ा रहे है। अगर समय पर रहते ये सारी समस्याएं को DC के पास, STM के पास जाए तो ये शायद समाधान हो जाता अब तक। और मैं इस भाई इस चैनल के माध्यम से एक वादा करता हूँ, मेरी जो मेजर समस्या है, जो एरिया की पानी निकासी की है या फिर कहीं खेल गांव खिलाड़ियों की समस्या है, उसको अगर चाहे अभी ऐसे जैसे चुनाव का मौसम आया हुआ है, वोट के लिए नहीं कहता, अगर हम बने या ना बने, लेकिन एक वादा जरूर करते हैं, ये 4-5 समस्या मैंने 4-5 गाँव में मेजर समस्या देखी है, इनको हम चाहे बड़ा या ना बड़ा इनको हल जरूर करवा देंगे। और भंडेरी गांव से मेरा एक खास रिक्वेस्ट है, 1 साल पर भीतर उस रज भाई को पाड़कर डबल करवाने का वादा करते हैं। इसके लिए वो चाहे हमें बड़ा है चाहे ना बड़ा है, इस समस्या को हम हल जरूर करेंगे। लगातार आप भी वार्ड में घूम रहे हो और चीजें हैं, समस्याएं भी लोग बता रहे हैं आपको, आप उनके लिए उनके समाधान का भी विजन बता रहे हो, वार्ड वासियों से गाँव वासियों से क्या अपील करोगे? देखिए भाई साहब, पिछले एक बार समस्या आ रही, एक बार नहीं बार बार समस्या आ रही है, बहुत सारे वार्ड में, जैसे मेरे 9 गांव है, हर गांव में मैंने पता करा, बहुत सारी प्रश्न आज भी कटी हुई है। इसके लिए हमारे गांव ने एक बार संघर्ष किया था, SDM के पास गए भी थे, मेरे गांव के तुरंत प्रश्न का समाधान हुआ। अगर हर एक कैंडिडेट इस बात को सोचेगा और समझेगा तो समाधान तो है, लेकिन समाधान की तरफ जाता कोई नहीं, उसके लिए थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है। अब जितने कैंडिडेट्स हैं, ये तो सेवा का नाम लेकर वोट लेकर चले जाते हैं। जैसे हमने एक दिन प्रश्न बाबत SDM के गए, हमारा अगले दिन तुरंत समाधान हुआ, सभी ये प्रश्न चालू होगी, लेकिन वार्ड में आज भी 9 गांव 8 गांव और भी लगते हैं, किसी से पूछ लो जाकर रात तक प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। और अधिकारी भी क्या करते हैं, जहां से दाब प्रेशर बनता है उस प्रेशर को
कम करने के लिए उसी गांव की समस्या हल करके दूसरे गांव की तरफ नहीं देख रहे। हम अगर बढ़ते हैं तो हम लोग के लोग में सबसे पहला मुद्दा अब तक भी त्रिया ही रहेगा, भाई पहले इतने प्रश्न का समाधान करो जितने बुजुर्ग बेचारे परेशान हो रहे हैं। दूसरी बात, जितने पानी निकासी समस्या है, खेल स्टेडियम की समस्या है, अगर ऐसे नहीं होगा इसके लिए हमें चाहे प्रदर्शन करना पड़ो चाहे जेल में जाना पड़ो, हम पाछे टने वाला आदमी नहीं है। और इसके लिए आपको देखना भी चाहिए, जनता को देखना चाहिए। आज तक हमने जितने भी रोड प्रदर्शन करे हैं, कुछ भी कराया है, जब भी समस्या आई है, कहीं दान भी क्या नहीं, कहीं जो हुआ नहीं, किसी प्रश्न बने नहीं, हम पीछे हटने वाले उन कैंडिडेटों ने शेख भाई वोट लेकर चले गए, अब दोबारा दिखाएंगे नहीं। हमें जनता है बीच में रहना है। 5 साल सरपंच करिए, कोई भाई ये कह दो भाई सरपंच के दौरान कोई किसी प्रकार दाग हो, आज तक अनमेरिड 36 साल की उम्र होगी, कोई भाई भाई किसी भी टाइम और दिन रात हल्का बीच में रहना पड़ेगा। लगातार काफी सारी सरकारी सुविधाएं होती है, उनका लाभ गांव वासियों को नहीं मिल पाता है। बहुत सी सुविधाएं ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती है, उनके लिए आप क्या क्या चीजें करवाओगे? महिलाओं की सुरक्षाओं के लेकर भी आप क्या चीजें करवाओगे? लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। देखिए भाई साहब, महिला जो सुरक्षा है उसके लिए ये 2-10 नंबर की कॉल चली है, इसमें बहुत सारी खामियां पाई जाती है। खामियां क्यों रह जाती है? ये गाँव में आते हैं बार बार, उनको छोटा मोटा झगड़ा हो गया आपस में, उस पर कॉल कर देते हैं, लेकिन ये नहीं, जो सच्चाई है पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर पाती, क्योंकि गांव में जो पंचायती उम्मीदवार हारते बैठक हारते उनकी जो सदस्यता थी वह सरकार ने कम कर दी। पहले आपस में छोटा मोटा झगड़ा हो जाता, उसको गांव वाले निपटा दिया करते, लेकिन कई जगह इस जो महिला सुरक्षा की बात है वहां इस कॉल का दुरुपयोग भी हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जायज समस्या उसको उठाना चाहिए ताकि समय समय पर जब भी कॉल हो वो ठीक प्रयोग हो सके, सरकारी सुविधाएं लोगों तक पहुंच पाए, उसके लिए आपका क्या क्या प्रयास रहेगा? उसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे, गांव गांव में जाएंगे, सबको बताएंगे, और जितनी हमारे कोशिश होगी, अगर वैसे काम नहीं बनेगा उसके लिए चाहे रोड जाम करना पड़े चाहे हमने भाई धरना देना पड़े, पीछे हटने वाले नहीं है। वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहोगे? वार्ड वासियों से हाथ जोड़कर एक अपील है, भाई साहब आप ऐसा ना करना भाई, वोट कहीं भी डाल दो, लेकिन जो अपना हमदर्दी है, आपकी जो समस्या उठा हुआ है, कम से कम एक बार वोट गिरने से पहले सोच लेना, सोच जरूर लेना और देख लेना भाई कौन हल्का में काम कराया है, किसने नहीं कराया। हर कैंडिडेट से पूछ लिया जाए पहले, भाई तो समाज सेवा में आत रहा था, पहले क्या कराया तने? कैंडिडेट से एक जवाब जरूर मांग लिया जाए, भाई तू सेवा करने के लिए आ गया है तो ये बता अपने उसमें जो जीवन शैली रही है, जो अपना दिनचर्या रही है, उसमें कितनी सेवा आपने की है, उसके बाद अपने वोट का निर्णय करना। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम डॉक्टर मुग्दल, डॉक्टर बलवान उर्फ मुग्दल। लगातार आप भी घूम रहे हो इनके साथ? ये साथ हूं मैं। क्या माहौल है, क्या लग रहा है भाई? माहौल बहुत अच्छा है। अब मेरा तो ख्याल ये है, सोनभद्र जिले में 25 सीट है, 25 में सबसे पहले नंबर भगत सिंह सरपंच का है। राम राम जी। राम राम अंकल जी। राम राम जी। राम राम। क्या माहौल लग रहा है, आप भी साथ में घूम रहे हो भगत सिंह जी आगे? बढ़िया माहौल है जी, और जनता चाह भी रही है, वार्ड इसको बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। अगर भाई भगत राम बन जा कोई दिक्कत नहीं, सारी समस्या हल करेगा। राम राम जी। राम राम। राम राम जी। राम राम जी। लगातार आप भी घूम रहे हो संदीप जी के साथ में, भगत सिंह जी के साथ, भगत जी के साथ में, क्या माहौल लग रहा है भाई? हमने तो एक दो बार वाले से सुनी है, मतलब सभी लोगों का भगत सिंह का बढ़िया माहौल है। राम राम जी। राम राम भाई। शुभ नाम जी? विजेंद्र नाम भाई, गांव मदीना है। गांव मदीना जी। हमने ये लग रहा है भाई, जिस गांव में घूमे हैं आगे भाई, सबसे ज्यादा वोटों से इसको जिताएंगे। पहले भी आंदोलन में ये रहा है, काफी दिन पहले से इसने, कई साल से इस आंदोलन में कूद रहा है। इस आंदोलन के किसान आ गए, मजदूर आ गए, काम के लिए इसने जेल भी काटी है, अब भी केस चल रहे हैं इसके ऊपर। इससे भला हम दो और किसी को मानते नहीं, जहां जाओ हमारे को पूरा समर्थन मिल रहा है। क्या अपील करना चाहोगे? हम ये अपील करा हम भाई, अगे देखा बाड़ा बरत्या होया छोरा, इसकी वोट देनी चाहिए। सभी भाइयों ने सोच समझ गए ना, जो जिसके जी में वो इसको वोट देनी चाहिए, जो विकास का देखेगा। ठीक। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपील करना चाहता हूँ वार्ड वासियों से, बहुत से वोटर जिताए, अरे बहुत बहुत अच्छा इंसान है ये, मैं इतने कहना चाहता हूँ। राम राम जी। राम राम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जोगेंद्र है जी, गांव छिछड़ाना। गांव छिछड़ाना। मैं अपील करना चाहता हूँ K9 मीडिया के माध्यम से कि संदीप सरपंच जो ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए, बहुत अच्छा इंसान है और बढ़िया सेवा कर रहा है गांव की, और भी इस वार्ड में 2 वार्ड से खड़ा हुआ जिला परिषद में भी अच्छी सेवा की है।
राम राम भाई। नमस्कार जी, क्या अपील करना चाहोगे? मैं अपील करना चाहता हूँ वार्ड वालों से, अपील करना चाहूँ ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए और अच्छे वार्ड को अपना चुने। धन्यवाद। आज ये थे हमारे साथ भगत सिंह जी, और जिन्होंने विचार आपने सुने, लगातार आप हमारे साथ बने रहें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।